नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाऊजी चाय। बहू, ये लो, इसे अंदर रखो। और हाँ, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना, बहुत प्यास लगी है। जी। आखिरकार भगवान ने सुन ली मेरी। अजी सुनिए, कन्हा अपना सुनील जेल से बाहर आ रहा है। 3 महीने का पेरोल मिला है उसे। देखिए, सुनील इतने दिनों बाद घर आ रहा है, उससे प्यार से बात कीजिएगा। अजी सुनिए ना, 5 साल हो गए उस बात को, अब तो गुस्सा थूक दीजिए। मजीद पानी। रजनी बेटा, तो खुश तो है ना? जी माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये इतने दिनों बाद घर वापस आ रहे हैं, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? एक काम कर, तू ना उसके लिए कल गाजर का हलवा बना, सुनील को बहुत पसंद है। ठीक है, ये ले। चल। भगवान लाख लाख शुक्र है, मेरा सुनील सुनील घर आएगा। हेलो, हमें मिलना है अभी, घर पे ही हो ना? ठीक है, हम आ रहे हैं। अरे रजनी बहू, कहाँ जा रही हो? वो माँ जी, वो आपने कहा था ना कि गाजर का हलवा बनाना है, तो गाजर लेने मार्केट जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ ले आओ, जाओ। जी। बताओगी भी? वो कल जेल से बाहर आ रहे हैं। कौन? सुनील? उसकी जमानत मंजूर हो गई? नहीं, पैरोल पे आ रहे हैं, सिर्फ 3 महीने के लिए। थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डराई दिया, मुझे लगा वो जेल से छूट। लेकिन अजय, तुम समझ नहीं रहे, मैं 3 महीने तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। तुम भी ना पागल हो, सिर्फ 3 महीने की तो बात है, यूं निकल जाएंगे 3 महीने तो। और वैसे भी कौन सा वो तुमसे चिपक कर घर पर बैठा रहेगा हमेशा? जब भी मौका मिले कॉल कर देना, हम हमेशा हाजिर रहेंगे तुम्हारे लिए। चलो अब अपना मूड ठीक करो। हाँ, लेकिन अजय। लेकिन लेकिन कुछ नहीं इसमें।
सुनीता, मुझे रजनी का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है। मैं तुमसे पहले भी कहा है कि तुम थोड़ा कंट्रोल रखो उस पे अपना। पर हुआ क्या है बताएंगे आप? बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि बहू अकेले मार्केट में आ जा रही है, लोगों से बातें कर रही है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। देखिए आप ज्यादा मत सोचिए, और वैसे भी कल सुनील आ रहा है, वो खुद ही संभाल लेगा रजनी को। और मेरी एक बात सुनिए, सुनील के सामने ना ये सारी बातें मत कीजिएगा, वरना वो बौखला जाएगा। आ गई हो? कहाँ गई थी? हाँ मार्केट में गाजर लेने गई थी या और कहीं? वो माँ जी आते टाइम ना रिक्शा खराब हो गया था, तो इसी वजह से लेट हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी खाना बना दो, इन्हें भूख लगी है। ज्यादा मत सोचिए। बन गया हलवा? बस माँ जी बन ही गया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देखना सुनील खुश हो जाएगा। आता ही होगा अभी तो। आ गया लगता है, मैं देखती हूँ। सुनील। अम्मा कैसी है? अम्मा मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मस्त। अच्छा अंदर। अरे ये कहा, आ तो गए हम, अब कहे रो रही है? ये खुशी के आंसू है बेटा, अब मत रोइए। अरे रजनी कैसी हो, पतली हो गई रजनी? तेरी फिकर में पतली हुई है वो। बाबूजी नहीं दिखाई पड़ रहे? अब वो अपने कमरे में है बेटा, हम मिल के आते हैं। अरे तुम रुको कुछ खा लो, उसके बाद मिल लेना। लगाओ ना, हम आते हैं मिल के। बाबूजी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी अब तक नाराज हैं आप, जेल में मिलने भी नहीं आए। भाऊजी देखिए जो भी हुआ उसका अफसोस हमको भी है, आखिर हमारी भी बहन थी ना वो। क्या कहा? बहन? भाई का मतलब पता है? भाई वो होता है जो अपनी बहन की रक्षा करता है। तो तूने क्या किया? बेरहमी से मार दिया मेरी बच्ची को, तुझे जरा भी रहम नहीं आया उस पर। तूने जो किया है ना सुनील, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तो क्या करते बाबूजी, आप ही बताइए क्या करते हैं? भाग जाने देते उसको और कट जाने देते पूरे खानदान की नाक। कितना समझाया, पूरे परिवार ने मिलकर समझाया था उसको, किसी की बात मानी उसने। अरे उस रामू के साथ भाग रही थी वो, कालिक पुत जाती हम सबके चेहरों पे बाबूजी। और अब नाक ऊपर हो गई तेरी, पूरी उम्र बच्चों को पढ़ाता रहा पर किसी को ये शिक्षा नहीं दी मैंने। तू कहां से सीख कर आया है कि किसी को जान से मारने से नाक ऊपर रहती है? गलती हो गई बाबूजी, मान भी रहे हैं और सजा भी काट रहे हैं जेल में। अरे आप ही ना आए थे हमारे खिलाफ गवाही देने, गवाही तो दे दी, अब माफी भी दे दीजिए। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती सुनील, पर तूने जो किया है ना उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे सुनील सिर्फ बातें करते रहेगा या कुछ खाएगा पिएगा भी? चलो खाना खा लो। सुनील सुनील। हाँ लो खाना खा लो। अम्मा बाबूजी ने खा लिया? वो आजकल एक ही टाइम खाना खाते हैं। अम्मा एक बात पूछें, बाबूजी हमको कभी माफ नहीं करेंगे ना? तो क्या उनकी बातों को लेकर बैठा है, वो ऐसे ही है, भूल जा। जरा रजनी को देख, आधी हो गई है तुम्हारे गम में, जरा इस पे ध्यान दे, बाबूजी की बातों को छोड़ दे। देख बेटा
बाबूजी का गुस्सा ना धीरे धीरे ही जाएगा। दूध जब से हम आए खोई खोई सी लग रही हो। हमारे आने की खुशी नहीं है। आपको माँ बाबूजी से फुर्सत हो तो ना, माँ बाबूजी यहाँ तक गांव के चाचा चाची सबसे उनका हाल चाल पूछ चुके हैं, लेकिन हमसे एक बार भी नहीं पूछे। अरे तो आप पूछ लेते हैं ना, कैसी है हमारी रजनी? हम सब समझते हैं, नाटक बंद कीजिए। अरे नाटक नहीं है बाबा, प्यार भी सच्चा है और हम भी सच्चे हैं। एक बार बताएं, जब हम जेल में थे ना, बहुत याद आती थी तुम्हारी, मन करता था दीवार तोड़ के तुमसे मिलने चले आए, लेकिन सुपरमैन तो है नहीं। हाँ अच्छा एक बात बताओ, सबका ख्याल तो तुम रखते हो, हमारा ख्याल कौन रखेगा? अरे रजनी, सुनील उड़ गया क्या? नहीं माँ जी, वो भी सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसे सोने दे। तू कहाँ जा रही है? मैं माँ जी वो मैं मंदिर जा रही थी, मैंने मन्नत मांगी थी ना कि जब ये जेल से वापस आ जाएंगे तो मैं 51 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी आना। हाँ और हाँ सुन, अपने बाबूजी के लिए नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया है ना? वो अभी टहल के आते ही होंगे। हाँ माँ जी, बाथरूम में रख दिया मैंने। ठीक है जल्दी आना। हाँ हाँ, मुझे बाजार वाले रोड में अभी मिलो। ओके चाचा जी। हाँ बोल दूंगा, बाबूजी से बोल दूंगा। हाँ हम आते हैं, प्रणाम रखते हैं। अरे रजनी, चाय वाय मिलेगी? मैं बनाती हूँ अभी, वो रजनी मंदिर गई है ना, अब आती ही होगी। चाचा जी क्या कह रहे थे? गांव पे हैं, कह रहे थे बाबूजी तो आते नहीं, तुम ही आओ एक दो दिन के लिए घूम जाओ। चले जाना, अच्छी बात है, सबसे मिल भी लोगे। मैं तो कहती हूँ रजनी को भी अपने साथ ले जाना, वो भी घूम लेगी। लीला, लीला
रंजी कहाँ है? वो मंदिर गई है प्रसाद चढ़ाने। मंदिर नहीं गई है, घूम रही है अपने यार के साथ। ये आंखों से देखा है, मोटरसाइकिल पे जा रही थी उसके साथ। क्या बकवास कर रहे हैं पिताजी आप? खानदान की इज्जत नीलाम कर दी, अब नाक नहीं कट रही किसी की। अरे कहाँ देखा ये तो बता दीजिए, जाके ढूंढ लो। आ जाने दो अम्मा इसको, आज खबर लेता उसकी। अजय तुम तो कह रही थी कि तुम मुझसे 3 महीने तक नहीं मिलोगी, हाँ? आज तो 2 ही दिन हुए हैं। लो, यहाँ हम मंदिर का बहाना बना के जनाब से मिलने आए हैं और जनाब है कि ताने देने से फुर्सत ही नहीं है ने। ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम काहे बुरा मान जाती हो? अजय मुझे ना बहुत डर लगता है, अगर सुनील को हमारे बारे में पता चल गया तो कहीं वो अपनी बहन की तरह। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुमको, मुझ पे भरोसा तो है ना, तो बस बेफिक्र रहो फिर। सुनील सुनील देख तू शांत रहना, हो सकता है तेरे बाबूजी ने किसी और को देखा हो, बुढ़ापे की आंखें हैं, धोखा खा गई होगी। जब वो आए ना प्यार से उससे पूछना। मां बाबूजी ने कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो ये बात कही है। कहाँ गई थी? मैं तो मंदिर गई थी, मां जी को तो बता। सुनील मंदिर गई थी, किसी के साथ मुंह अलग कर रही थी। अम्मा हट जाओ, बता किसके साथ थी? तू ऐसे नहीं मानेगी ना, बता दूं तुझे। तुम्हें क्या कर रही थी? बताएगी नहीं? बता। मैं सच कह रही हूँ, मैं मंदिर नहीं गई थी। बता जल्दी। पिताजी आप बीच में सड़ जाइए, आज मैं इसकी जान ले लूंगा। सुनील इस घर में ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। लेकिन पिताजी आप ही तो बोल रहे थे। लीला सही कह रही थी, गलती हुई है मुझसे, मैंने शायद मोटरसाइकिल पे किसी और को देखा था। अम्मा अम्मा। हाँ सुनील। अम्मा हम चल रहे गाँव, कल आते हैं। अरे तुम अपने साथ रजनी को नहीं ले जा रहे हो? रजनी को ले जाके क्या करेंगे अम्मा, एक रात की तो बात है, कल चले ही आएंगे हम, और वैसे भी चाची से रजनी की पट्टी कहाँ है। ठीक है जाओ। ठीक है अभी हम चलते हैं। प्रणाम। खुश। माँ जी हम पार्लर जा रहे हैं, शाम को लेट हो जाएगा आने में। पार्लर? कल का ड्रामा भूल गई तुम? मेरी मानो सुनील जब तक यहाँ है तुम घर पर ही रहो। माँ जी इन्होंने बुलाया पार्लर जाने के लिए, आपको भरोसा नहीं है तो आप भी हमारे साथ चलिए। हम क्या करेंगे वहाँ आकर? ठीक है सुनील ने कहा है तो जाओ तुम, पर शाम से पहले आ जाना। रो क्यों रही हो तुम? अब बताओगी भी क्या हुआ? उसने हमें मारा। क्या? किसने? सुनील ने? वो कल बाबूजी ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। अजय हम तुमको बता रहे हैं, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। देखो देखो हमें कितना मारा, देखो। देखो तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा तुम ये बताओ, अगर उन्हें तुम पे शक है तो तुम आई कैसे? वो
सुनील गांव गए हैं तो हम बहाना बना के आ गए। हमको बहुत डर लग रहा है, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। तुम डरो मत, डरो मत, हम कुछ करते हैं। आप लोग पांडे आसपास अच्छे चेक करो। सर किसी ने कुछ देखा? सर पांडे देखने से तो हिट एंड रन का केस लगता है। हाँ सर लग तो ऐसा ही रहा है, लगता है कोई गाड़ी कुचल के गई है। तुम्हें कुछ मिला? ये सर बैग में ये पर्स मिला है, इसमें ये आईडी है कोई सुनील कुमार के नाम से, और सर भगवानपुरा का एड्रेस है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस एड्रेस पे जाओ और फैमिली वालों को शनाख्त के लिए लेकर आओ और आसपास चेक करो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या। ओके सर। दिन अखबार ही पढ़ेंगे या नहाएंगे भी? कब से बाथरूम में पानी रखा है, ठंडा हो जाएगा। रजनी ये कप ले ले बेटा, जल्दी करिए जाइए। जा रहे हैं भाग्यवान। रजनी सुनील से बात हुई क्या? नहीं माँ जी, उनका तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। मैं देखती हूँ। आप ये सुनील का घर है? हाँ जी ये सुनील का ही घर है, वो मेरा बेटा है। क्या हुआ? हमें एक बॉडी मिली है हाईवे पे, उसकी शिनाख्त के लिए आप लोग को हमारे साथ चलना होगा। जी हमें हाईवे पर बॉडी मिली है, पास में एक बाइक और ये बैग भी मिला था, शायद सुनील का है। ऐसा लगता है कोई बड़ी गाड़ी रोन कर गई है, एक्सीडेंट का केस है। पोस्टमार्टम के बाद आप बॉडी लेके जा सकते हैं। माजी, माजी, क्या हुआ बेटा? किस्मत में जो लिखा था वो तो बदल नहीं सकते। बाबूजी ने कुछ नहीं खाया, ऐसे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप उनसे एक बार बात कीजिए ना। खाना खाइए नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छी सुन भी रहे हो या नहीं? जब सुनील था तब उससे कभी प्यार से बात भी नहीं किए, अब जाने के बाद तो शौक मना रहे हो। ऐसे में वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। लो खाना खा लो। देखिए आप ऐसे मत रोइए, अगर आप ही ऐसे हिम्मत हारेंगे
तो हमारा क्या होगा? शायद उसके नसीब में यही लिखा था। पहले हमारी बेटी चली गई, अब सुनील भी हमें छोड़कर चला गया। कितने हम आ गए हैं हम लोग। आज याद रहिए, तुम मत आना यहाँ पे प्लीज। मैं भी नहीं आ सकती, समझो मेरी बात। बाबूजी पूरे दिन घर पे रहते हैं, ऐसे में नहीं मिल सकती तुमसे। सब नॉर्मल हो जाए फिर मिलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। क्या हुआ? कोई है यहाँ पर? अरे कोई नहीं होगा, आपका वहम होगा, सो जाइए अब। सही कह रही हो, मेरा वहम ही है शायद। कहाँ जा रहे हैं अब? पानी पीकर आता हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा वेट करना, मैं तुमसे खुद मिलने आऊंगी। अभी जाओ यहाँ से, वरना कोई देख लेगा। जाओ। अच्छी दरवाजा खोलो। ए ए ए कौन है? कौन है? ये कौन था जो अभी यहाँ से भाग के गया? बाबूजी कोई भी नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे। अरे मैंने अभी देखा उसे भागते हुए। अरे आप क्या बोल रहे हैं, कौन होगा वहाँ पर? इसी से पूछो, यही बता पाएगी। मुझे तो वो मोटरसाइकिल वाला ही लगता है। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। माँ जी कुछ कहती क्यों नहीं आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है चोर हो वहाँ पे, चोरी करने आया हो और डर के मारे भाग गया हो। अब बेचारे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? अब चलिए यहाँ से। मैंने अपनी आंखों से उसे भागते हुए देखा। मैंने कहा ना कोई नहीं है यहाँ पर। अब चलिए चलिए, बहुत देर हो गई। बेटा तू ना अंदर से खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करना और सो जाना बेटा। अब चलिए यहाँ। अरे मेरी चलो बात पे यकीन नहीं कर रही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। चलो रजनी बेटा कहाँ जा रही हो? माँ जी वो घर में सब्जियां नहीं है, सब्जी लेने जा रही हूँ। ठीक है जा बेटा। समझ नहीं रहे हो, हमें जल्दी इस शहर को छोड़कर जाना पड़ेगा, किसी ने देखा बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
क्या जरूरत थी इतनी रात को बाजार जाने की? और जाना भी था तो अकेले क्यों गई? तुम साथ में नहीं जा सकती थी? अरे हो गई होगी देर, सब्जी लाने गई है, थोड़ी ना किसी के साथ भाग गई है। देखो लीला, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे रजनी के चाल चलन पे शक, और तो सुनील भी नहीं है। देख मैं पता नहीं क्यों रे रजनी, इतनी देर कहाँ लगा दी? वो माजी रास्ते में मुझे पुष्पा मिल गई थी, तो वो अपने घर ले गई, बस वहीं लेट हो गया। देखो बहू, अब तक जो हो रहा था सो हो रहा था, पर अब ये सब नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हिसाब से रहना पड़ेगा। तुमसे दुगनी उम्र है हमारी, हमें सब पता है कि तुम्हें कहाँ देर होती है और मार्केट जाने के बहाने तुम किसके पास जाती हो। सुनील था तो हमें लगा सब समझ जाएगा, पर अब तुम इस घर से बाहर आना जाना थोड़ा कम करोगे तो अच्छा होगा। एक बात बताइए बाबूजी, जब सुनील जेल में थे तब भी मैं अकेली थी, और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तब भी मैं अकेली हूँ। क्या मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी नहीं है? आप मुझे बंदी बना के रखना चाहते हैं? हाँ, अगर आपको मेरे इस घर में रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे बहू, इनके कहने का मतलब ये नहीं है। माँ जी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। अगर आप लोगों को मेरे इस घर में रहना पसंद नहीं आ रहा तो मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। रजनी, रजनी, रजनी बेटा, लीला हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़ जी? देखिए, कुछ भी करने से पहले ना एक बार सोच लीजिएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा अब रजनी ही है। रजनी अगर इस घर से चली गई तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप शांत हो जाइए। नमस्ते साहब। अरे हरिदा जी, आप क्या बात है, आप टेंशन में लग रहे हैं? जी आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। हमें लगता है कहीं सुनील का एक्सीडेंट ना हो के उसका मर्डर हुआ हो। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हमें शक है कि हमारी बहू रजनी अब भी अपने आशिक से मिलने जाती है, तो हमें लगता है उसके साथ मिलकर कोई कांड ना किया हो, क्योंकि उस दिन सुनील ने उसे पीटा था, घर से बाहर चली गई थी। तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताएं सर, बेटे की मौत का गम इतना था कि याद ही नहीं रहा, पर अब हमें शक हो रहा है। ठीक है, आप घर जाइए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और एक बात और, आप घर पर किसी को बताना नहीं कि आप यहाँ आए थे। जी। Thank you.
साहब आप रुकिए, हम देखते हैं, चलो। सुनील तू? अब तुम दोनों का खेल खत्म, ले चलो इसको। गेम तो बहुत अच्छा था तुम दोनों का, लेकिन तुमने भी वही गलती कर दी जो बाकी मुजरिम करते हैं, पुलिस को बेवकूफ समझने की गलती। पोस्टमार्टम से तो क्लियर हो चुका था कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया क्योंकि हमें शक था कि इसमें तुम्हारी फैमिली भी शामिल है, और हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और जब हरिदास जी ने हमें बताया कि तुम अब भी चुपके से मिलने जाती हो किसी को, तो हमने तुम्हारे ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया और तुम दोनों पकड़े गए। अब बोलो क्यों किया ड्रामा, बोलो। सब हमें तो बस जेल से छुटकारा चाहिए था, और मैं जानता था कि पेरोल का जो वक्त है वो वही वक्त है जब हम कुछ करके जेल से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। हमने जेल में ही इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। जब रजनी मुझसे मिलने आई जेल में, तो हमने रजनी को अपना प्लान बताया। क्या हुआ, बाबूजी जमानत के लिए माने या नहीं? नहीं, और हमें नहीं लगता कि वो मानेंगे भी। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम तुम्हें ऐसे जेल में सड़ने नहीं दे सकते। अब कुछ करो ना प्लीज। तो कोई दूसरा ढूंढ लो। ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि हम तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कह रहे हैं, हमारे पास एक प्लान है, कोई ऐसा ढूंढो जो हमारी कदकाठी का हो, फिर उसे अपने चक्कर में फंसा लो। अकेला हो तो और अच्छा। तुम करना क्या चाहते हो? सब बताएंगे, लेकिन अभी जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ, और अम्मा से कहो कि वकील को पैसे थोड़े ज्यादा दें ताकि हमारी जमानत जल्दी से जल्दी करवाए। ठीक है, फिर मेरे कहने पे रजनी ने अजय से चक्कर चलाया। अजय की फैमिली में कोई था नहीं, वो अकेले रहता था, तो हमारे प्लान के हिसाब से उससे बेहतर कोई और हो भी नहीं सकता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बीच में एक दिन बाबूजी ने रजनी और अजय को एक साथ देख लिया, और दिखावे के लिए हमें रजनी पे हाथ छोड़ना पड़ा। उसी रात हमने अजय की मर्डर की प्लानिंग बनाई। क्या जरूरत थी जोर से मारने की, कितना दर्द हो रहा है मुझे। अरे बाबा, जोश में था ना, लग गया होगा, सॉरी। अच्छा रजनी सुनो, यही समय अपने प्लान को सक्सेस करने का। मैं कल गांव जाऊंगा, और तुम सीधे अजय के पास, ध्यान रहे उसे इतनी दारू पिलाना कि नशे में धुत हो जाए बिल्कुल, और अपना प्लान सक्सेस हो जाए। सुनिए जी, इसमें कुछ खतरा तो नहीं है ना? अगर खतरा होता तो मैं डालता इसमें तुम, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि उसको बहुत अच्छे से दारू पिला देना। आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। जैसा मैंने कहा था, मेरे गांव जाते ही रजनी अजय के पास चली गई। तुम्हारे पास दारू है? पीनी है तुम्हें? हाँ, हमको आज पीनी है। मैं लेकर आऊँ। प्लान के मुताबिक हमने उसे खूब शराब पिलाई, और जब वो नशे में धुत हो गया तब ये लो, पियो 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 पियो। कौन है दारू? अब तो खत्म हो गई, और तो नहीं है आज। नहीं है,
I love you many times. My boss, huh? Good luck to you. हाँ ठीक ठीक है ठीक उसने तेरे को मारा किसी मैं छोड़ूंगा नहीं उसको हाँ तब मैं वहाँ पहुँच गया और उसका उसका कत्ल कर दिया मैंने कोई कौन आ गया पैसा तुम आराम करो मैं देखती हूँ बैठो 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 कहाँ ए, तो इधर तूने रजनी को मारा छोड़ेगा नहीं तेरे को अभी तक बेहोश नहीं हुआ दो बोतल गटक चुका है फिर भी बेहोश नहीं हुआ क्या बोल दो बोतल ए, तुम दोनों मिले हुए मैं छोड़ेगा नहीं तेरे को तेरे मर्दन पैर पकड़ो इसका फिर मैंने अजय को अपने कपड़े पहना दिए और उसकी बॉडी को हाईवे पे ले गया यहां मैंने उसका सर पत्थर से कुचल दिया और अपना बैग पर्स यहाँ तक की गाड़ी भी वहीं पे गिरा के छोड़ दी ताकि एक्सीडेंट का सीन लगे मैं तो बस इतना चाहता था कि अजय की बॉडी को लोग मेरी लाश समझें और मैं मृत घोषित हो जाऊँ तो जेल से मेरा पीछा छूट जाएगा हम लोग शहर छोड़ के कहीं और जाने वाले थे तब तक हम वहाँ पहुँच गए कितना बेवकूफ है तू हाँ और तुझसे ज़्यादा बेवकूफ है ये औरत जिसने तेरा साथ दिया अब तक तो तू अकेला जेल काट रहा था लेकिन अब तेरे साथ साथ ये भी जेल जाएंगे तूने क्या समझा पुलिस को चकमा दे देगा हाँ अब तक कोई पुलिस को चकमा दे पाया नहीं ना अब सड़ना पूरी जिंदगी जेल में चेतना ये चेतना कहां चली गई कैसे रहेगा की बारात दरवाजे पे आई और मैंने उसके रिश्तेदारों को देखा और मैंने सर पकड़ लिया और मैं तभी समझ गया कि भाई हमने अपनी लड़की अरे पता ही नहीं चला कि उसके पापा किसका सूट पहनकर आए थे पता है मेरी मौसी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये दूल्हे के पापा हैं माँ पापा एक बात बताऊं आलोक ने जो भी कंजूसी सीखी ना अपने पिताजी से सीखी
मेरे ससुर जी ने अपनी भांजी की शादी में 5 साल पहले एक सूट सिलाया था। बस हर शादी में वही पहन के चले जाते हैं, उसको पोछ पाछ के। वही काला वाला ना। अरे आलोक बेटा आओ बैठो बैठो। जी हम किस बात पे हंस रहे थे आप लोग? कुछ नहीं, बस हम सब मिलके तुम्हारी टांग खींच रहे थे। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस तुम्हारे बाबूजी को याद कर रहे थे। कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? ठीक है। अच्छा वैसे उनका जन्मदिन आने वाला है ना, आपको याद है? अरे हाँ क्यों नहीं। हाँ तो मैं सोच रहा था कि इस साल ना उन्हें एक नया सूट गिफ्ट करूं, कैसा रहेगा? हाँ वेरी गुड। चेतना तो मम्मी पापा क्या खाएंगे? मैंने सोचा कि मम्मी पापा आए हुए हैं तो बाजार से चाइनीज ऑर्डर करें। तो थोड़ा तुम बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आज बहुत दिनों में चाइनीज खाने को मिलेगा। क्या हो गया है? देखो इतना महीने का एंड चल रहा है और हमारा बजट भी बहुत टाइट है, और तुम हमेशा की तरह शॉपिंग भी कर चुकी हो इतनी सारी, तो प्लीज प्लीज खाना घर पे बना लो। ये क्या बात है आलोक, तुमने तो मेरा मजाक बना दिया है। धीरे बोलो चेतना, जबरदस्ती का सीन बनाना बंद करो। माँ देखो ना, ये आलोक ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। माँ ये चाहता है ना मैं जिंदगी जीना ही छोड़ दूँ और बस इसके गुलाम बन के रहूँ। हम पता है माँ कई बार नहीं जाते और कोई पार्टी घर में नहीं होती है। इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब है ना अगर मुझे कोई परेशानी हो किसी बात से भी तो मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं। ऑफ कोर्स करोगी। अच्छा ये बताओ हम हनीमून पे कहाँ गए थे? शिमला गए थे। हाँ शिमला गए थे, मुझे जाना था मालदीव और तुम मुझे अपना रोना धोना दिखा के शिमला लेके गए थे। मुझे ना तभी समझ जाना चाहिए था माँ कि मेरी पूरी जिंदगी मुसीबत में पड़ने वाली है। माँ पता है ये चाहता है कि मैं बस इस किचन में पड़ी रहूं और इनकी सेवा करूं। ये कैसी बातें कर रही हो? सही कर रही हूँ। बात को बदलकर मत बनाओ चेतना। आलोक ये क्या तरीका है बात करने का? सॉरी पापा। अच्छा 25 अप्रैल याद है तुम्हें? जी मैंने पूछा 25 अप्रैल याद है तुम्हें? जी याद है, आप हमेशा याद दिलाते रहते हैं। अच्छा तो क्या हुआ था 25 अप्रैल वाले थे? उस दिन मैंने आपसे चेतना का हाथ मांगा था। अच्छा और तुमने कुछ वादा भी किया था, वो क्या था वो बताओ? यही कि चेतना की सारी जरूरतें पूरी करूंगा। और इसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। और इसे हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। ये तुम्हें खुश नजर आ रही? मैंने पूछा ये तुम्हें खुश नजर आ रही है? कम ऑन स्पीक अप। अच्छा अच्छा सॉरी चेतना, मैं अभी खाना ऑर्डर कर देता हूँ। एक सेकेंड। और सुनो आइसक्रीम ऑर्डर करना मत भूलना, चॉकलेट फ्लेवर वाली। कंजूस कहीं के? चलो डाजी। कल तो तुम दोनों की पहली मैरिज एनिवर्सरी है ना?
आलोक जी, क्या सरप्राइज गिफ्ट है मेरी बेटी के लिए? माँ, ये तो मुझे कोई सरप्राइज देने से रहे, मैंने खुद ने अपना गिफ्ट सोच लिया है। दिखाती हूँ आपको, देखो। वाह, अरे आलोक, मुझे ये चाहिए डायमंड नेकलेस। क्या बेटा, पानी? नहीं, सुके मिल जाए। सच? थैंक यू। देखा आप दोनों ने, मेरा आलोक उतना भी बुरा नहीं है जितना आप दोनों सोचते हो। विसार के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? ये चेतना तो मेरी कोई मजबूरी नहीं समझती। एक काम करता हूँ, ऑफिस से एडवांस ले लेता हूँ, वरना चेतना और इसकी फैमिली ये ताने मार मार कर मेरी जान ले लेंगे। बस करो चेतना, सुना था मुझे, मैं थक गया हूं। आलोक, हमारी शादी को बस एक साल हुआ है, मुझे तो लगने लगा है तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। चेतना, तुम्हें शिकायत के सिवा कुछ और आता भी है? तुम हमेशा शिकायत का मौका ही क्यों देते हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ना समझूं? बस करो चेतना। क्या बस करो आलोक, तुम में ना सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है, और सच ये है कि तुम मुझसे ऊब गए हो। हट जाओ लग, मुझे तुम्हारा भीख वाला प्यार नहीं चाहिए। चेतना, चेतना जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। आई बाबा। ये ले तुम्हारा टिफिन, और आज ऑफिस से जल्दी आना, याद है ना आज मुझे नेकलेस दिलाने ले जाना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आलोक, कहाँ पहुँचे? सर, ऑफिस के गेट के बाहर। दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी सर, कहिए। तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारी कंपनी पिछले कुछ समय से लॉस में चल रही है, इसलिए टॉप मैनेजमेंट ने 50% स्टाफ को निकालने का फैसला किया है, और अनफॉर्चुनेटली तुम भी उन्हीं स्टाफ में से एक हो। सर, सर प्लीज़, सर मैं कहाँ जाऊँगा? सर ऐसा मत करिए। आई एम सो सॉरी आलोक, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह इस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। क्या पता अगला नंबर मेरा हो। लेकिन तुम उम्मीद मत खोना, अगर तुम्हें अगली जॉब के लिए
मेरी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बतावा। यू टेक केयर आलोक। चेतना तो मेरी मजबूरी समझेगी नहीं, उल्टा उसके उसके माँ बाप मेरी मेरी बेइज्जती करेंगे सबके सामने। कितना हुआ दादा? जॉब ऑफर से मेरा काम बन सकता है। हेलो। हेलो जी, आप कामिनी जी बोल रहे हैं? हाँ जी। एक्चुअली मैंने आपका एक जॉब ऑफर देखा था। इसके लिए तुम्हें एक इंटरव्यू पास करना होगा। जी जी कामिनी जी, मैं उसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अभी आ जाओ। जी बताइए कब और कहाँ आना है। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। ओके। हाय, मैं आलोक। आप कामिनी जी? डोंट मिस अ फॉर्मल, कॉल मी कामिनी। बाहर की खड़ो, अंदर आओ। आओ बैठो। अच्छा तो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस क्या है? एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मतलब था, पर मार्केट डाउन होने की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया। चलो अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं जाती तो तुम मुझसे कैसे मिलते, और तुम्हें देख के लगता है कि तुम इसी जॉब के लिए बने हो। थैंक यू, पर काम क्या होगा? मैं एक कस्टमर सर्विस एजेंसी चलाती हूँ। मतलब कॉल सेंटर, जहाँ पर हम कस्टमर्स को कॉल करके सामान बेचते हैं। हाँ कुछ ऐसे समझ लो। तो कौन सा सामान बेचते हैं? अपने शरीर को। क्या मतलब? एक्चुअली मैं एक मेल एस्कॉर्ट एजेंसी चलाती हूँ, जहाँ तुम जैसे हसीन मर्द तन्हा औरतों की तन्हाई दूर करते हैं और उनके साथ कुछ खूबसूरत से पल बिताते हैं। तुम सच क्यों नहीं कहती कि तुम मजबूर आदमियों का फायदा उठाती हो? लेकिन एक बात सुन लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच दे। सोच लो, इससे ज्यादा मजेदार और आसान जॉब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और मैं तो तुम्हें एडवांस देने के लिए भी तैयार हूं। वैसे मैं किसी को एडवांस नहीं देती, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। पर क्यों? क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए, तो बोलो मेरे लिए काम करोगे? सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी। मुझे ये चाहिए, डायमंड नेकलेस। तुमने कुछ वादा भी किया था, वो क्या था वो बताओ। यही कि चेतना की सारी जरूरतें पूरी करूंगा। हाँ मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये हुई ना बात, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। कौन सा टेस्ट? तुम्हें मुझे खुश करना होगा, मंजूर है?
मंसूर तू मर्द है भी या नहीं? तो सच में कमाल किए। ये लो पूरे 50,000 और ये रखो, आज से मैं तुम्हें इस फोन में कॉन्टेक्ट करूंगी। अब तुम घर जाओ और मेरे फोन का इंतजार कर। कमाल है, आलोक आज अपनी खुद की एनिवर्सरी पे भी लेट है। वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अरे फोन करो उसे। पापा शाम से उसे 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, एक भी फोन नहीं उठा रहा है। मैं फोन नहीं उठा रहा था ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। ये रहा मेरी प्यारे से बीवी के लिए एक प्यारा सा तोहफा। ओह माय गॉड, कितना प्यारा है ये। माँ बहुत सुंदर है। बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अब जल्दी से मेरे घर आ जाओ, एक क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओके ओके आता हूँ। ठीक है बाय। ऑफिस से फोन था। ऑफिस जाना है मुझे। ऑफिस क्यों? तुम तो बोल रहे थे कि घर से काम करोगे। एक मीटिंग आई हुई है और वो मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। एक्चुअली मुझे नई ड्रेस खरीदना है।
इतने सारे पैसे? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कल तो बड़ा पैसे के लिए रोना रो रहे थे, हाँ? वो कल ऑफिस से एडवांस लिया था मैंने तुम्हारे नेकलेस के लिए, वही पैसे। थैंक यू। ये है तुम्हारी नई क्लाइंट आयशा। घबराओ मत, इसे तुम्हारा प्यार चाहिए। जाओ इसे अपने आगोश में भर लो और अपना बना लो। टेंट लोगी? हाँ। कुछ बताओ अपने बारे में। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ क्योंकि बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ, सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि मेरा पति अब मुझे प्यार नहीं करता। उसकी कई औरतों के साथ रिश्ते हैं। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि उसने आखिरी बार प्यार से मुझे कब देखा था। अब्राहम, आज तुम अकेली नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। आलोक, एक क्लाइंट आई है, आ जाओ।
चेतना, चेतना। हाँ बोलो। ये लो तुम्हारे लिए नया फोन। थैंक यू सो मच। पापा यह आलोक कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। अरे लो आ गया। अरे आलोक बेटा कहाँ थे तुम अब तक, कब से इंतजार कर रहे हैं हम सब तुम्हारा डिनर पर। अरे क्या हो गया आलोक, चेतना तो कह रही थी तुम एक डेढ़ घंटे का भूल के गए हो, तुमने तो पूरा दिन लगा दिया, कहाँ थे भाई। पापा क्या है ना, वो ऑफिस है आपकी दुकान नहीं, कि जब मन चाहा शटर गिराया और घर आ गए। आलू मैंने आज पालक पनीर बनाया है, तो तुम फ्रेश होके आ जाओ, हम सब साथ में खाते हैं। क्यों आज बाहर से खाना ही मंगाना। नहीं एक काम करिए आप लोग खाना खाइए, मैं बाहर से खा के आया हूँ, मैं सोना जाता हूँ। करो चेतना मेरा मूड नहीं है। आलोक तुम मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हो, तुम्हें शिकायत के अलावा और कुछ नहीं आता। जान तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। हर इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जिंदगी के थप्पड़े उसे बदल देते। ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे तो मेरा पुराना वाला आलोक चाहिए जो मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बोल रहे हो आलोक, क्योंकि पुराना वाला आलोक खो चुका है और अब जो तुम्हारे सामने है वो सुनना नहीं सुनाना जानता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरी किसी भी बात से तुम्हें हर्ट हुआ है तो मैं तुम्हें उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो। चेतना मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है, तुम जाओ अपने नए वाले फोन में ऑनलाइन शॉपिंग करो। इनसे मिलो, ये मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है। हाय आई एम आयशा। हाय तुम लोग खड़े क्यों, बैठो ना।
नहीं, इट्स ओके, ठीक है। वैसे आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है मुझे। पर हम तो पहली बार मिले हैं। वैसे काम क्या करते हैं आप? वो काम से याद आया। चेतना, मुझे कुछ काम है, मैं काम करके आता हूँ। ठीक है, चले जाइएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो देते जाइए। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। चेतना, मैं काम करके आता हूँ ऑफिस। सॉरी यार, ये ना आजकल बहुत मूडी हो गए। कोई बात नहीं, जीजू से मिलिए, यही काफी है मेरे लिए। ये आयशा मेरे घर तक कैसे पहुंच गई? आयशा, तुम क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें हेलो बोलने आई हूँ। आयशा, तुम जाओ यहाँ से, चेतना आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। पता है मुझे, लेकिन क्या करूं? हमारी उस मुलाकात के बाद मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। क्या पागलपन है आयशा, तू प्लीज जाओ यहाँ से, चेतना चेतना कभी भी आ सकती है। जब से तुम्हें देखा है मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये क्या पागलपन है आयशा? हाँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ, मुझे अपनी बाहों में भर लो। आयशा प्लीज, चेतना तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये चेतना अगर आ गई ना, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुम्हारी सच्चाई चेतना को बता दूंगी। ये हुई ना बात। अब मैं पुराना वाला आलोक नहीं रहा जिसे लोग इस्तेमाल करते हो। अब मैं लोगों को इस्तेमाल करता हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तो तुम मुझे बदनाम करोगी? ये मत भूलो कि तुम्हारी वीडियोस और फोटोज हैं मेरे पास। अगर तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ निकलो यहां से। इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो हेलो आलोक, एक नई क्लाइंट ने बुकिंग की है, तुम जल्दी आ जा। काम नहीं, आज रहने देते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखो आलोक, हाथ आए पैसे को ना नहीं कहते, समझे? आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। कह रहा था कि आज ऑफिस में एक मीटिंग है, तो शायद मुझे वहां जाना पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी अभी शॉपिंग पे जा रही हूँ। ओके, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारी क्लाइंट तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। कौन है क्लाइंट? एक पति के प्यार से महरूम एक पत्नी।
तुम बैठो, वो गेस्ट रूम में मैं लेके आती हूँ। आलोक, मिलो अपने नए क्लाइंट से। आलोक, चेतना तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकती हूँ ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बताती हूँ, उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी पत्नी के सामने मैं लाकर रहूंगी। चौंको मत चेतना, मैं तुम्हारी पति की सर्विस ले चुकी हूँ और उस रात मैं इसी से मिलने गई थी। आलोक कुछ समय से मुझसे बहुत दूर रहने लगे, मानो उनको मुझ में और हमारी शादी में कोई इंटरेस्ट ही ना रहा। तुम्हारी लाइफ में ना थोड़े से मसाले की जरूरत है। मसाला? कल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके चलूंगी जहां पे तुम अपना सारा अकेलापन भूल जाओगे। ना बाबा, मुझे ऐसी कोई जगह पे नहीं जाना है। मौन चेतना, मेरा यकीन मानो, कल का दिन तुम बिल्कुल नहीं भूलोगी। दिन तुम्हारा थप्पड़ खाने के बावजूद भी मैंने खुद को काबू में रखा और तुम्हारी जड़ खोदने का मौका ढूंढने लगी। तभी मुझे चेतना ने यह बताया कि तुम्हारी सच्चाई क्या है और मैं चेतना को यहां लेकर आ गई ताकि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकूं। जरा सी भी गैरत बाकी है या नहीं? हाँ, नहीं बची मुझ में कोई गैरत, क्योंकि वो तुम और तुम्हारे परिवार वाले बहुत पहले ही मार चुके। मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाते थे ना तुम लोग। मैंने कितनी बार चाहा कि तुम्हें अपनी अपने परेशानी बता सकूं, अपने जज्बात बता सकूं, ताकि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था। पर तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा वो चमकती हुई बेजान बेजान चीजें मायने रखती हैं। मैं टूट चुका था अंदर से और तुमसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। और इसी बीच मेरी नौकरी चली गई और मैं चाह कर भी तुम्हें अपनी मजबूरी नहीं बता पाया, क्योंकि मैं जानता था तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी आमदनी की फिक्र है। और इसीलिए मैंने ये काम करना शुरू किया ताकि मैं तुम्हारी पैसे की भूख मिटा सकूं। और शायद मैंने तुम्हारे पैसे की भूख मिटाई, लेकिन तुम्हारे शरीर की भूख नहीं मिटा पाया। इसीलिए तुम अपने पति के होते हुए आज यहां पर किसी गैर मर्द के साथ मुंह काला कराने चली आई। बड़े पति बने फिरते हो, अरे तुम तो अपनी पत्नी तक को खुश नहीं रख पाए। सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आलोक, तुम क्लाइंट से बात नहीं कर सकते। तुम चुप करो कामिनी, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। हो जाएगा, छोड़ो ना। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। चेतना, 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 उठो, उठो चेतना। चेतना, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। Hello.
आलोक मुझे माफ कर दो आलोक, मैं तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझ पाई। तुम अक्सर मुझसे कहा करते थे ना कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती, और ये सच है। मैं खुदगर्जी में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं तुम्हारे अलावा उन बेजान चीजों को चाहने लगी, और फिर भी मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की। काश कि मैं तुम्हारा मोल समझ पाती, हम दोनों के बीच की हर बातों को उसे बैठ के साथ में शेयर कर पाते, तो आज तुम मुझसे दूर नहीं होते आलोक, आज तुम मुझसे दूर नहीं होते। मुझे माफ कर दो। अब आप सो जाओ, पूरा दिन काम करके थक गए होंगे। इसीलिए तो स्ट्रेस रिलीज कर रहा हूँ। तुम आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। मैं कोई मौसम थोड़ी ना हूँ जो बदल जाऊंगा। तुम्हारी इसी फिल्मी डायलॉग पर तो मैं फ्लैट हो गई थी। अब क्या करे, तुम हो ही हीरोइन जैसी, तुम्हें देखकर तो कोई भी फिल्मी हो जाएगा। Just look at your eyes. इनको देखने के बाद कोई अलनशे की जरूरत ही ना पड़े। इस टाइम भी तुम्हें फ्लर्ट सूझ रहा है? फ्लर्ट करने का कोई वक्त थोड़ी ना होता है, खासकर तुम्हारे जैसे बीवी होते हैं। बात कर लो ना। घर पे कोई काम नहीं, मैं वो कर लूंगा। इस वक्त सिर्फ तुम जरूरी हो। बात करना जरूरी होगा। क्या है, इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हो? तुम्हें पता है ना, इतनी रात को कॉल करने से प्रॉब्लम हो सकती है। कल मिलता हूँ, अभी रखो फोन। मेरा का कॉल था पेमेंट के लिए। रात को भी सोने नहीं देते हैं। कल तुम दो चेक साइन कर देना। अच्छा बाबा ठीक है, पर अभी तुम स्ट्रेस मत लो और सो जाओ। जब देखो तब घूरता रहता है।
आज मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया ब्रेकफास्ट में। अच्छा तो फिर डिनर में मैं तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाऊंगी। मेरी फेवरेट तुम ही हो। सच्ची? तो तुमने वो चेक पे साइन कर दिया? चेक पे तो क्या, मैंने तो तुम्हारे दिल पे साइन की हुई है। थैंक यू माय लव। तो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ अभी। मैंने कितनी बार कहा है रात को अचानक मेरे घर पे फोन मत किया करो, मेरी बीबी होती है मेरे पास। तुम्हारा एक कॉल मेरे लिए यमराज का कॉल साबित हो सकता है। मेरी बीबी को जानती नहीं हो तुम। मेरी बीवी। आपको मेरी या मेरी फीलिंग से कोई परवाह नहीं है ना? ठीक, मैं आपके लिए टाइम पास हूँ ना। तुम टाइम पास नहीं, बहुत खास। इसीलिए मुझ पे गुस्सा करते रहते हो ना? गुस्सा और प्यार दोनों सिर्फ खास लोगों के साथ किया जाता है। और क्या क्या किया जाता है खास लोगों के साथ? अच्छा सुनो ना, मेरा ना बर्थडे आने वाला है, तो मुझे ना शॉपिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए। ड्रॉर में से ले जाओ कितने चाहिए। अभी अगर दिल दिया है तो पैसे कैसी चीज है? अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? पिकासो रिसोर्ट, ओनली यू एंड मी, वही तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाएगा। वाह क्या खुशबू है। अच्छा बताओ कैसी लगी सब्जी? इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ करूँ या फिर तुम्हारे टैलेंट की। बस बस हाँ अब ज्यादा हो रहा है। अच्छा मैं सोच रही थी कि इस संडे को मम्मी पापा से मिलकर आ जाएं। संडे को? लेट मी चेक माय शेड्यूल। सॉरी बेबी, संडे को तो मेरी फुल डे मीटिंग है, आउट ऑफ टाउन जाना है, मंडे को मैं रिटर्न आ जाऊंगा। तुम और राजू होकर आ जाओ प्लीज। इट्स ओके बाबा, काम इम्पोर्टेंट है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम सॉरी मत बोलो। थैंक यू। घर में बैठ के और कोई काम नहीं सोचता है क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि नहीं करनी है ऐसे लड़के से शादी। क्या करता है वो शर्मा जी का बेटा? छोटी सी नौकरी करता है, वो खुद का खर्चा तो उठा नहीं सकता, मेरा खर्चा क्या उठाएगा? देखो पापा, मेरा ये क्लियर है, मुझे शादी एक ऐसे लड़के से करनी है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, केपेबल हो और जो मेरी हर विश पूरी कर सके। बेटा तो क्या कोई राजकुमार से शादी करूंगी? राजकुमार से नहीं करूंगी तो चलेगा, लेकिन किसी पैसे वाले से करूंगी। पापा मुझे ये गरीबों वाली लाइफ नहीं जीनी है, और अभी तक मैनेज ही करती आई हूँ ना। करोड़पति घर से नहीं हूँ तो क्या हुआ, शादी तो मैं करोड़पति इंसान से करूंगी। पापा भी ना शादी कर लो बस यही रटते रहते, और कोई काम ही नहीं इनको। जब तक कोई परफेक्ट लड़का नहीं मिलता तब तक अपने बॉस से ही काम चलाना पड़ेगा, वही मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। देख रंजीत,
धंधे का एक ही मतलब है, फायदा। जहाँ प्रॉफिट वहाँ डील फिट, वरना नो किट फिट। पहले तेरे साथ फायदा था, अब मेरा के साथ, तो उसको माल सप्लाई कर दिया। ये तो गलत बात है गुप्ता जी, मतलब आपके लिए पुराने रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, ये तुम्हें अच्छे से पता है। और रही बात रिश्तों की, तो हर एक रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो नया हो या पुराना। और जिस रिश्ते में फायदे का टेस्ट नहीं, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, देखता हूँ क्या करना है। और ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। फिर आप ना इतना स्ट्रेस मत लिया करो। बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट क्या दे रही हो? सरप्राइज। आप सर थोड़े पैसे चाहिए थे गिफ्ट के लिए। Thank you so much. Thank you. क्या? सफाई। यार कितना इरिटेटिंग है। कभी कभी लगता है मेरी शादी तुमसे नहीं इससे हुई है। बीबी वाली सारी इरिटेटिंग हरकतें करता है। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और पापा को मेरा नमस्ते बोलना, मैं फोन स्विच ऑफ रहेगा, चिंता मत करना। और हाँ, तू गाड़ी ठीक से चला लेना। तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी? हाँ अपने काम पर ध्यान दो ना। और हाँ, खाना टाइम से खा लेना, ठीक है? और वैसे भी हम तो शाम तक वापस आ जाएंगे। Now. Happy journey. I love you. I love you too. हैप्पी बर्थडे मोना। तुम फिर मुझे इरिटेट करने आ गए राहुल। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन तुम हर बार अपनी बेइज्जती कराने आ जाते हो। मुझे नहीं घूमना है तुम्हारी सस्ती बाइक पे, नहीं पहनना है सस्ते कपड़े, और नहीं खाना है सस्ते रेस्टोरेंट में। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? तो तुम मुझे दे ही क्या सकती हो? तो प्लीज मेरे सपने देखना ना बंद करो मोना। But I really love you. तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। यार राहुल, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ये फीलिंग्स वगैरह ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे जितना गरीबी में जीना था ना, मैंने जी लिया। अब I want to live like a princess. And please. Today is my birthday. So please ना मेरा मूड स्पॉइल मत करो। मुझे ना अपने बॉस के साथ में जाना है। हम लोग ना दोस्ती बेटर है। Thank you.
close your eyes. Now open your eyes. Oh wow! Thank you so much. How's it? Really beautiful. Let's have some fun. Abhin, you have to wait here. I'm coming. Why? Aisa kya tha? Your return gift. Okay. कैसी लग रही हूं मैं? Gorgeous. तो कैसा लगा मेरा रिटर्न गिफ्ट? कब दे रही हो डिवोर्स अपनी वाइफ को और हमारे इल्लीगल रिलेशनशिप को लीगल बना रहे हो? टाइम लगेगा मुझे, अभी सोचा नहीं है, सोचता हूँ, लेकिन मैं ऐसे मालिनी से अचानक डिवोर्स नहीं ले सकता। टाइम तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं, और उसे तुम छोड़ नहीं पा रहे हो या छोड़ना नहीं चाहते हो। सुनो, मेरे घर वाले ना शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना मुझसे शादी करने में तो बता दो, मैं अपने घर वालों को हाँ बोल दूंगी। तुम एक नया नाटक शुरू कर रही हो? हाँ, शादी कहीं और करोगी? मैंने कहा ना, टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल, किस खुशी में गिफ्ट? वो जो डील की मीटिंग के लिए मैं गया था ना, वो फाइनल हो गई। हाँ, कांग्रेचुलेशन। और हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी आ रही है, तो सोचा कि क्यों ना अभी से सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। पर सिर्फ रिंग? ये तो बताओ हम सेलिब्रेट कहाँ करेंगे? It's a surprise. सर ने 3 दिन की छुट्टी ली है, पर क्यों? मीटिंग तो नहीं है लाइनअप में कोई? What happened, boss? Is there anything urgent? 3 दिन का ऑफ? हाँ, एक नए इन्वेस्टर से मिलने जाना है। फिर तो मुझे भी आना पड़ेगा ना, प्रेजेंटेशन बना लूं? नहीं, तुमको आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ ऑफिस का काम संभालो। कल तुम जल्दी तैयार हो जाना, 2 दिन के लिए चलते डेस्टिनेशन पर, वही हमारी सालगिरह सेलिब्रेट करके आ जाएंगे।
और मना सब कुछ ठीक है ऑफिस में? कैसी रही आपकी ऑफिशियल मीटिंग? थोड़ी हेक्टिक थी बट ठीक था। तो ये मीटिंग कर रहे थे आप? दूर हटो मुझसे। बेवकूफ समझाए मुझे? मैं कोई टाइम पास हूं जो अपनी हवस निकाली और सब खत्म? आज डिवोर्स देता हूं, कल देता हूं, परसों देता हूं, मैं कुछ करता हूं। और झूठ बोलकर अपना एनिवर्सरी मना रहे थे। मुझे झूठी होप में बिठा रखा है। तो क्या करूं मैं? प्रेजेंट में वो मेरी वाइफ है, मेरा सारा बिजनेस उसके नाम पर है। शादी के टाइम पे सोचा था कि अकेली लड़की है, इसका बाप सारा बिजनेस मेरे नाम पे कर देगा, लेकिन उसने सारी पावर ऑफ अटॉर्नी मालिनी के नाम कर रखी। ऐसे छोटी छोटी डील के लिए मुझे मालिनी के पास जाना पड़ता सिग्नेचर के लिए, और अगर मैं अभी तुरंत डिवोर्स लेता हूँ तो लात मारकर बाहर निकाल देगी मुझे, और मेरे साथ साथ तुम भी भीख मांगोगी। इसलिए मालिनी को खुश रखना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना ज़रूरी है, दिल से नहीं लेकिन दिमाग से। सर, एक साथ दो दो नाव पे सवार नहीं होते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी डिजायर बड़ी है, लेकिन मैं किसी और के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करती। आई ट्रस्टेड यू बट यू आर सो चीप। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? बेबी काम डाउन, यू नो आई लव यू। मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ। इससे बीवी छोड़ी नहीं जाती और दूसरे को शादी करने नहीं देते, बस एक होप दे रखी है, वो भी झूठी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जैसे चल रहा है चलने दो, अब निकलो यहाँ से। अच्छा, मेरी लाइफ रोक कर खुद अपनी जिंदगी जी रहे हो, ना छोड़ते हो ना शादी करते हो, बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब मैं वो होने नहीं दूंगी। मैं आपको आपके हस्बैंड के बारे में बताने आई हूँ कि यही कि उनका और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। ये बात आपको कैसे पता चली? मुझे सब पता है, तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट से लेकर तुम्हारी सेलिब्रेशन की जगह तक। मार्किन क्या हुआ राजू, बोलना क्या बात है? नहीं, छोटा मुंह और बड़ी बात, मुझे लगता है मालिक आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कई बार देखा है किसी लड़के के साथ वो फोन पे बात करते हैं। और जब आप पूछते हो कोई काम का फोन है ऐसे बोल के टाल देते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पास राजू पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। उसके बाद वो फेक प्यार दिखाता था और मैं फेक भरोसा। फिर मैंने राजू को मेरे हस्बैंड के पीछे लगाया। और फिर एक दिन मेरे हस्बैंड का पीछा करते हुए वो उस रिजॉर्ट तक पहुंच गया। लेकिन
लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको सब कुछ मालूम है और आप कुछ कर नहीं रहे हो? क्योंकि उसमें और मुझ में फर्क है। आई लव हिम, पर तुम मुझे ये सब बताने क्यों आई हो? क्योंकि क्योंकि वो मुझे भी धोखा दे रहा है और उसने मुझे भी फंसा रखा है। तो इसलिए तुम मुझे ये सब बताने आई हो? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनकर उसे छोड़ दूंगी? पति है वो मेरा और मैं उसकी बीवी। तुम जा सकती हो। क्या हो मोना, आज अचानक तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी सही नहीं है। राहुल मेरा बॉस मेरे साथ बहुत गलत करता है। सैलरी देने के टाइम पर शादी ना करने के लिए फोर्स करता है। मुझे बहुत घुटन होती है। मुझे दलदल से निकलना है और मुझे मुझे बस तुम पे ही भरोसा है। उसकी इतनी हिम्मत, एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। कोई फायदा नहीं होगा, वो इतना बड़ा आदमी है कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उससे मेरी इज्जत खराब होगी, मेरा नाम खराब होगा। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं उसको जान से मारना चाहती हूँ, उससे बदला लेना चाहती हूँ। देखिए आप फालतू बकवास कर रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, मुझे ही लगा था कि तुम मेरा साथ दोगी। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे ना तो मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि मैं सुसाइड कर लूं। ये सुसाइड वगैरह की बातें मत करो और प्लीज रोना बंद करो। बताओ क्या करना है। Hello. Yo, baby. I'm not coming to office today. Why? You're angry or what? No, I have some work at home. तो ठीक है। तुम्हारे काम में हेल्प करने के लिए मैं आ जाता हूँ। Okay. See you. See you. सुनो ना, आज शाम को जल्दी घर आ जाना, आशीष भाई के घर पार्टी में जाना है। ओके, तुम रेडी रहना, आते निकल जाएंगे। रह गए ये फोन भी बंद आ रहा है। लगता है आज भी लास्ट मोमेंट पे मीटिंग आ गई है, पर एक कॉल तो करना चाहिए था, एटलीस्ट एक मैसेज ही करना चाहिए था।
मिसेस गुप्ता, आपकी आखिरी बार मिस्टर गुप्ता से कब बात हुई थी? सर वो सुबह ऑफिस के लिए निकले थे तब बात हुई थी। एक दोस्त के घर पार्टी में जाना था, उन्होंने कहा कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे फिर साथ में चलेंगे, पर वो नहीं आए और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। आपने उनके दोस्तों से रिश्तेदार सबसे बात की? हाँ सर, पर वो कहीं नहीं है। सर ये हमारा सर्वेंट है राजू, काफ़ी पुराना है, शादी से पहले वो मायके में था, शादी के बाद यहाँ आए। मिसेस गुप्ता, आपको किसी पर शक है? किसी से लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी किसी से? नहीं सर, वो सिर्फ अपने काम में ध्यान देते थे, काम के अलावा उन्हें किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं था। ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं और आपको कुछ पता चलता है हमें बताइए। चल कल से सर का फोन बंद है, हम सब पूरा स्टाफ परेशान है और आज तो हमारी एक मीटिंग भी थी। सर ऐसे कभी गायब नहीं रहते बिना बताए। लास्ट टाइम आपने मिस्टर गुप्ता के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे या किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, एक दिन हमारे पुराने क्लाइंट मिस्टर रंजीत, उससे उनकी कुछ कहा सुनी हो गई थी और उसने उनको धमकी भी दी थी। कविता, रंजीत बोलो। वो एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट थी सर, और हमारे बिजनेस में सब होता रहता है। लेकिन हाँ, गुप्ता था बुरा, उसने मुझे छोड़कर किसी और को माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं बस उसको सबक सिखाना चाहता हूँ, कहीं और से ज़्यादा माल खरीद कर। बाकी ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात नहीं थी और ना ही किसी को कोई फिजिकल नुकसान पहुंचाने का इरादा। ठीक है, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक शहर छोड़ के मत जा। पुलिस स्टेशन फोन करो, इस गुप्ता की कॉल डिटेल और लास्ट में कुछ लिखो, किस किस से बात हुई है, फोन कहाँ कहाँ ट्रैवल हुआ है और फोन बंद कहाँ। आई बात आस पास के जितने फोन एक्टिव थे सब कुछ सस्पेक्ट लिस्ट में। मालकिन, कुछ खाओगे आप? क्या लगता है पुलिस को फोन करना चाहिए? अभी हमको निकलना है। रात को जागने में पुलिस से भागने में बहुत मजा आता है ना? क्या मैडम, चलें पुलिस स्टेशन? सर हमको कुछ नहीं मालूम है, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, मिस्टर गुप्ता की लास्ट लोकेशन पता है कहाँ मिली? तुम्हारे घर की, और आखिरी बार बात भी तुम दोनों की हुई थी ना? उनकी लोकेशन के बाद पता चला है कि उधर तुम्हारी भी एक्टिव थी लोकेशन। सच सच बोलोगे उसमें तुम्हारा ही फायदा, नहीं तो हमें अपनाना पड़ेगा अपना खाएगा। बोलो सर, मेरा उसको मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस उसको सबक सिखाना चाहती थी। मुझे गरीबों जैसी लाइफ नहीं जीनी थी। जब मैंने मिस्टर गुप्ता की कंपनी ज्वाइन की थी तभी से हमारा अफेयर शुरू हो गया था। मुझे लगा कि उससे शादी कर लूंगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, और उसने भी कहा था कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे देगा। लेकिन ना तो उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया और ना ही वो कंपनी उसके नाम पर दी। वो तो हर बात के लिए अपनी बीवी पर डिपेंडेंट था,
इसलिए तुम दोनों मिलकर उसे मारती। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो उसने पैसे देने का वादा किया था और सब उसी का प्लान है। रुको, असली वजह जानती हो मेरे अभी तक चुप बैठने की? इसको कहते हैं मौके का इंतजार। अब किसी को सजा देनी है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझी नहीं। चल मैं तुझे एक ऑफर देती हूँ। तुमने पैसों के लिए मेरे हस्बैंड से अफेयर किया ना, और पैसों के लिए ही उससे शादी भी करने जा रही थी। मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी, जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। 50 लाख? करना क्या होगा? मेरे हस्बैंड को मारना है। मर्डर। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं मानती हूँ कि मैंने रिश्ता पैसों के लिए बनाया, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकती। होश में तो हो ना? मैं अभी अभी तुम्हारे पति को सब बताती हूँ। तुम सच में कितनी नादान हो? जब मैं एक मौके का इतना इंतजार कर सकती हूँ, तो तुम्हारे ना कहने पर मुझे तुम्हें कैसे मनाना है, ये भी तो सोचा होगा ना मैंने। राजू। मालकिन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, और उसके बाद तुम और तुम्हारे माँ बाप दोनों आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओ। तो बेहतर है कि मेरी बात मान लो और मेरा काम कर दो। पुलिस को मैं संभाल लूंगी, तुम 50 लाख रुपए लेकर कुछ ही दिनों में शहर छोड़ देना। और वैसे भी थाने में इतने अनसॉल्व केसेस पड़े हुए, एक और सही। सर, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी मिसेस गुप्ता की बात मानने के अलावा। फिर मैं वहां से निकल कर राहुल के पास गई। वही था जो इसमें मेरा साथ दे सकता था। फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि मैं मिस्टर गुप्ता को बोलूंगी कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, और वो हवस का पुजारी मेरे घर आ जाएगा। और वो आया। हेलो ब्यूटीफुल, आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। पानी पीने थोड़ी ना आया हो? अभी भी नाराज़ हो? हाँ थोड़ा सा। ठीक है, तुम्हारी नाराजगी को प्यार में बदलते हैं। हाँ I'm sorry sir। सॉरी क्यों? हेलो मिसेस गुप्ता, आपका काम हो गया है। ओके गुड, पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। और वो वीडियो? वो वीडियो भी डिलीट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। और डेड बॉडी का क्या किया? वो
वो सर मैंने इसे घर के पीछे गाड़ दिया। पैसे और लेवल्स लाइफ के चक्कर में तुम लोगों ने अपनी जिंदगी खराब कर ली, अब जेल में सड़ना। लेके चलो, चलो। चल। कहाँ चल रही मिसेस गुप्ता इतनी जल्दी? कहीं नहीं सर, थोड़ा स्ट्रेस में थी ना तो सोचा पापा के घर आऊं। मेरे हस्बैंड का कुछ पता चला? काफी दिन हो गए। हाँ, उनके बारे में पता चल गया। और उनके मर्डर के पीछे किसका हाथ था, किसका दिमाग, ये भी पता चल गया। मर्डर? ये क्या बोल रहे हैं आप? मिसेस गुप्ता कितने अच्छी एक्टिंग करती हैं आप, हुँ? किसी का वीडियो बनवा कर उसे ब्लैकमेल करना और उसको जान से मार देना। मिस्टर गुप्ता के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करता हूँ। चलिए हमारे साथ।